कैसा ईश्वर, कौन सा ईश्वर? हाँ, तो व्हाट वर यू थिंग डिस्कसिंग अबाउट? स्टोरी। किस बारे में बात हो रही थी? लाइफ सुधारने की। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, ठीक है, कुटिया बना के रहते थे, बहुत सारे शिष्य थे उनके उस आश्रम में, है ना। अब वो उनके पास पहुंचा कि मुझे भी अपना जीवन सुधारना है, ठीक है साहब। तो उन्होंने कहा कि शर्त एक यही है कि जो मैं कहूंगा वो तेरे को मानना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वापस मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तू, जिस दिन क्वेश्चन पूछने उस दिन घर चले जाना। अब वो तो पुराना जमाना था, आजकल का तो छोरा समझता ही नहीं है ना, आजकल का स्टूडेंट नहीं मानता, बट जमाना था, ठीक है साहब। बोले एक काम कर, वो रसोई घर है हमारे यहाँ, वहाँ जा, वहाँ पर धान कूटती है, धान गेहूँ और क्या ना चावल, उसको कूटते हैं वो ऐसा धम धम करके, उसका आटा बनता होगा शायद ना उस जमाने में। बोले वो धान कूट रही है, तेरे को धान कूटना है, बस यही काम है तेरा। उसको लगा अरे यार ये क्या, मैं तो यहाँ जीवन सीखने आया हूँ, वो ये बोल रहे धान कूट जाके, है ना, ठीक है साहब। चला गया, बोले हाँ गुरुदेव ने बोला है तो कूटो। धान कूटना शुरू कर दी उसने, शुरू शुरू तो बहुत विचार आए दिमाग में, और ये कहाँ फंसा दिया, ये क्या है दिन भर धान कूटना, दिस दैट, है ना। धीरे 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 क्या हुआ, उस चीज का आदि हो गया, वो बस धान ही कूटा करता था, दिन भर धान कूट रहा है। 3 साल निकल गए सिर्फ धान कूटना उसका काम था, और दिन भर धान कूटा, थक जाता, सो जाता, फिर उठता, फिर वही काम। गुरुदेव तो भूल भाल गए कि इसको लगा दिया अपन ने काम पे, गया वो तो। अब 3 साल हो गए, एक दिन क्या हुआ, वहां से 3-4 दूसरे स्टूडेंट जो थे वो निकल रहे थे, वापस में बात कर रहे थे। बोले अब गुरुदेव तो यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, तो उनके जगह पर किसी और को वो यहाँ का सारा चार्ज दे के जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है, उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी है कि जो उन्होंने एक दीवार पे पोत के लिख दिया है, पोत के रखा हुआ है कि इस पे जो व्यक्ति लिखेगा सबसे अच्छा उसको मैं चार्ज सौंप दूंगा। वो तो हजारों स्टूडेंट्स हैं वहां पर, सबने अपने अपने ट्राई कर लिए, ये ना वो ना वो, है ना। तो वो तीनों जो बात करते जा रहे थे कि क्या लिखेंगे अपन यार, वहां ऐसा क्या लिख दें कि अपन बन जाए ऐसा वैसा, तो इसने सुन लिया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने पूछा क्यों भाई क्या हो रहा है, उन्होंने बताया तो धान कूट, तू का टेंशन ले रहा है। बोले नहीं बताओ यार क्या हुआ, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, वहां लिखना है जाके। तो बोले लिखे आए तुम? बोले हाँ मैं तो लिखे आया हूँ। बोले क्या लिखा? उनको लगा ये तो कोई पार्टिसिपेंट है ही नहीं, ये तो धान कूट रहा है, बता दो इसको। तो उन्होंने बताया कि ये ईश्वर की सृष्टि है, यही सृष्टि चला रहा है ना, हम उसी के अधीन हैं, ऐसा कुछ कुछ उसने लिख दिया। बोले मैंने तो ये लिखा है। बोले तीनों ने लिख दिया क्या? बोले नहीं, इसने तीसरे वाले ने नहीं लिखा है, ये अभी जाएगा लिखने। बोले एक काम करो, वो जो धान कूट रहा था ना वो बोलता है, एक काम करो मैं जो बता रहा हूँ वो लिख दोगे क्या? बोले हाँ बोल। बोले वहां लिख दे कैसा ईश्वर, कौन सा ईश्वर, बस इतना लिख आना। अरे बोले फालतू बात करता है धानकूट। बोले मत मानो, फिर धानकूटने लगा पट्टा हो तो। वो तीनों चले, वो लिखने जा रहे थे ना उसमें से एक, तो उसको लगा बहुत देर, उसने विचार करा कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। तो एक बोलता है देख, उसने सही बोला था, अरे कलम से क्या बात, लिख दे। बोले ठीक है लिख देता हूँ। उसने वो लिख दिया, क्या लिखा? कैसा ईश्वर, कौन सा ईश्वर। जब गुरुदेव ने उसको पढ़ा, उन्होंने बुलाया, वो धान कूटने वाला कहाँ है, उसको ले आओ। जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीधा कहा कि वो धान कूटने वाला कहाँ है, उसको ले आओ, और उसको वो चार्ज सौंप दिया गया। शिक्षा क्या मिली कि जो उन्होंने कह दिया पूरी लगन से उसमें लग जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने क्यों कहा है। जब हम कोई काम को लगातार करते हैं ना, तो पहले तो बहुत विचार चलते हैं, धीरे धीरे हम विचार शून्य हो जाते हैं। देखना जो लोग वो फटाफट काम करते हैं ना कोई चीज, तो वो फिर दिमाग नहीं चलता उनका, वो काम ही करते हैं सिर्फ करते हैं। तो धीरे धीरे वो मेडिटेशन वाली स्टेज में चला गया, 8 दिन 15 दिन महीने भर 2 महीने धान कूटते कूटते खूब विचार चले थे, धीरे धीरे विचार शून्य होता गया, वो मेडिटेशन को अटेंड हो गया, मेडिटेशन तक चला गया बिना ऐसे बैठे। गुरुदेव ने 1 सेकंड में पकड़ लिया कि ये वही लिख सकता है,
क्योंकि जो इतने साल से धान कूट रहा हो वही इस लेवल पर जा सकता है कि कौन सा ईश्वर कैसा ईश्वर। समझ में आई? ये सीखना है जीवन, समझ गया? तो डाउट मत कर अभी से कि सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा। अगर वो डाउट करता उस दिन तो धान कूटने से क्या होता है, तो कोई समय को जीवन समझ में आएगा क्या? भग जाता। तो जो कहा जाए उसको समझ के आंख बंद करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।